देखेंगे इस पूरे अभिनय में कि जहां प्रारंभ में नारी को सताया जाता है, उसके साथ अशिष्ट व्यवहार किया जाता है, वही नारी आज की चंडी, आज की द्रौपदी बनती है। वो द्वापर युग की द्रौपदी नहीं है जो किसी कन्हैया को चीरहरण के लिए पुकारे, अपितु वो ललकार देती है तो दुशासन के हाथ से साड़ी गिर जाती है। हमारे द्वारिका प्रसाद जी की एक कविता है, अरे वो दुशासन निर्लज्ज देख तू नारी का भी क्रोध, किसे कहते हैं नारी का अपमान, कराऊंगी मैं इसका बोध। देखें प्रारंभ में नारियां असक्त हैं और बाद में समय के प्रहारों को सहते हुए वो पूर्णतया सशक्त हो जाती हैं। आई मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। मैडम ये एड्रेस कहाँ था? बेंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान भीड़ में लड़कियों से छेड़छाड़ की, हैदराबाद में भी दो लड़कियां छेड़खानी का शिकार बनी। कहने को ये सारी सिर्फ घटनाएं हैं, लेकिन एक महिला से पूछिए जो हमेशा इस डर के साथ घर से बाहर निकलती है कि रास्ते में उसके साथ छेड़खानी ना हो जाए, कहीं कोई उसे अगवा करके उसका रेप न कर। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये
थैंक यू।